नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हैं भाई साहब? मेरी माँ का भाई साहब क्या कर रहे हो? लाखों रुपए खर्च करके तेरे को इसलिए बुलाया था मेरे को भाई साहब? इसे अच्छी सरगुन दी, लाइनें चाहे कम बोले लेकिन भाई साहब ऐसा तो नहीं बोलती थी। खैर ये बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैंने सुना है कि तुम्हारे दुकान पर इंसान बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल बनाए जाते हैं। कुछ भी बनवा सकते हैं? कुछ भी बनवा सकते हैं आप। क्या बनवाना है आपको? मुझे ना बॉयफ्रेंड बनवाना है। बॉयफ्रेंड बनाना? तो आप हुलिया बताइए किस तरह तैयार करते हैं? 6 feet tall। 6 feet tall? हाँ। तो मतलब 5,000 रुपए पर फीट के हिसाब से 6 feet का आपका 30,000 हाइट का हो जाएगा। 5,000 पर फीट? या तुम बॉयफ्रेंड बना रहे हो या बांद्रा में फ्लैट? What do you mean to say? तुम्हें क्या लगता है बांद्रा में रहने वाले लोगों के घर सस्ते होते हैं? वो लोग क्या सिर्फ बिरयानी और गाड़ियों में खर्चा करते हैं? What do you mean? कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो बस एग्जांपल दे रही थी। अरे क्यों डर क्यों रही? बिंदास बोल, जिस बंदे ने हमें काम ही नहीं देना डरना क्या? तू बोल ना, बोल खुल के बोल। तू मैं तो कहता हूँ 4 feet वाला बॉयफ्रेंड बनवा लो, बड़ा फायदे में रहोगी। बड़ा फायदा होता है 4 feet वाले बॉयफ्रेंड का। अरे तुम लोग रोमांस करते पकड़ के ऊपर से कोई आ गया, बोल देना पड़ोसियों का बिट्टू है, ट्यूशन पढ़ने आया था। वैसे भी लोगों ने बिट्टू बिट्टू बोल के घर में बच्चों जैसे पति रखे हुए हैं। तू डर मत। नहीं नहीं प्लीज, इतना छोटा बॉयफ्रेंड भी नहीं चाहिए प्लीज। okay. मुझे 6 feet का ही चाहिए। okay. और सुनो, गोरी चमड़ी यूज करना, काला या सांवला नहीं चाहिए। गोरी चमड़ी का लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, महंगी होती है। महंगी क्यों बताओ सहेल भाई, गोरी चमड़ी है। अरे हमें कोल्ड क्रीम की बात कर रहे हैं, लंदन से लेके आए जो। मैं आपको लंदन भेज रहा हूँ, आपका ध्यान रशिया की तरफ है। मैं एक मिनट रुक जा। हेलो अरबाज खान प्रोडक्शंस, अरबाज भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? उनको मेरा हेलो बोलना, बोलो कपिल का फोन आया था। हाँ तो वही, जब तुम मुझसे पूछें कौन कपिल तो बताना मत, ठीक है? ओके अच्छा ये बताओ, ए, तुम्हें लड़का कैसे चाहिए? मॉडल टाइप बनाऊं कि ठीक ठाक सा? एकदम हीरो टाइप। अच्छा? जिसके 6 packs हो और okay. जो एकदम इनके बड़े भाई सलमान खान जैसा हो। अच्छा 20,000 रुपया खर्च करके 250 crore का बिजनेस करना चाहती तू? बड़ी चला गई तू। ये ले, मैं बोल रहा हूँ तेरे को सस्ता सा कोई बना देता हूँ तेरे को। नहीं नहीं प्लीज, इतना सस्ता भी नहीं चाहिए, कम से कम सुहेल खान जैसा तो हो। तो मैंने और क्या बोला, मैं फारसी बोल रहा हूँ क्या? सुहेल खान सस्ते में बन जाएगा? बन जाएंगे लेकिन प्रोसेस थोड़ा स्लो है। स्लो प्रोसेस मतलब? स्लो प्रोसेस मतलब जैसे तू कभी बोलेगी ना कि मेरे को शाम को 6 बजे का शो फिल्म में लेके जाओ, तो लेके जाएंगे लेकिन अगले महीने लेके जाते हैं, अगले साल लेके जाते हैं, ये डिपेंड करता है थोड़ा प्रोसेस। नहीं वो चलेगा लेकिन प्यार में स्लो नहीं होना चाहिए। प्यार में नहीं स्लो, वो तो तुम्हें फिल्म लेके जाएगा, तुम पता चल जाएगा। ऑडियंस देखेगी फिल्म उधर चल रही है इधर चल रही, वो उस मामले में नहीं स्लो। क्या? हाँ सच्ची? ऐसी रिएक्शन मत दे, असली वाला उठ के आ जाएगा। चलो टाइम भी नहीं लगेगा, चप्पल ही पहननी खाली, फटाफट आ गए। हेलो सोहेल खान नहीं नहीं मैंने अरबाज खान प्रोडक्शन से किया था। अरबाज भाई कैसे? ठीक है, उनको मैंने हेलो बोलना। ओके ये क्या बार बार अरबाज खान कैसे हैं, क्या लगा रखा है? अच्छा जो काम का बंदा उसको फोन ना करे, रोज रोज इन्हीं का हाल पूछते रहे। तेरे को पता है मेरे को अरबाज भाई का फोन आया, कह रहे दबंग 3 करोगे? मैंने कहा मैं कर तो लेता लेकिन मैंने डेट सारी दी हुई सोहेल भाई को, शेर खान से क्लैश हो रही है। कहते मेरे को सोहेल नहीं बोला है, किसको ले लो, मेरे को बार बार तंग करता है। तो मैं इसलिए। वैसे डिलीवरी कब तक दोगे? डिलीवरी आप जब बताइए, मेरे जब तैयार हो जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक, टेंशन लेने की चीज नहीं है, लेकिन उसे 25,000 रुपए एडवांस। एडवांस क्यों? एडवांस देखिए मैडम, जिंदगी में कुछ ऐसी ठोकरें खाई है, विश्वास नहीं रहा लोगों पे। बिना एडवांस लिए हम लोग बुक नहीं करते कोई चीज। अच्छा ठीक है, 25,000 रुपए दे दिए, ये लो। ठीक है मैडम, फोन करना। हाँ जरूर जरूर, मैं अच्छे टाइम पे बोली हो गई हम लोग, मैंने असूल बना लिया मैडम, बिना एडवांस के हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं, माल पड़े रह जाते हैं। आपको पता है मेरे को काजल ने कहा मेरे को अजय बना दो दोबारा से, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा रहता है। मैंने जितना हो सका मैंने किया सीधा, पहले से थोड़ा सीधा हुआ है, लेकिन अभी देखो नाभी सेंटर से उधर के इधर चली गई। मैंने कारीगर को बुलाया, मैंने कहा ये क्या? कहना भाई साहब कुछ भी कर लो एक आध चीज टेढ़ी रहेगी रहेगी, माल पड़ा रहता है इधर। मैं फोन करके पहले लड़की के बॉयफ्रेंड का इंतजाम करूं, धंधा चलना चाहिए। हेलो चरणदास, चरणदास मैंने लड़की, हाँ एक लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए, हाँ मेरे पास कच्चा माल नहीं आ रहा है, तो मैंने जल्दी जल्दी, मैं तू आ जा जल्दी, हाँ तुझे चिपकाता हूँ जल्दी आ। हेलो यो पूरन सिंह, यो यो पूरन सिंह, यो 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 यो
yo, 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 oh, yo, wow. yo, 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 yo. Hello, everybody. This is the first time in my life. I'm very happy with my wife. Yo, 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 yo. ए गांव के छमक छल्लो के बोलत बाड़ू ए गांव के छमक छल्लो के बोलत बाड़ू हम प्यार के इजहार करे काहे मारे झाड़ू यो 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 बस 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 के बंदा देखिए आप दिल्ली से पंजाब बाई रोड जाएं सड़क के दोनों तरफ ऐसा आम पापड़ मिलता है इधर आवे मेरे पास कच्चा माल नहीं है एक लड़के आई बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ठीक है मैं तेरे को चिपकाऊंगा उधर समझ में आया तू बोलना मैंने तेरे को अभी अभी सैंपल किया है ओके अरे लेकिन हमारे ऐसे काले लौंडे से कौन लड़की पटेगी अरे तेरे को जानबूझ के बनाया मैंने ताकि तेरे को मना कर दे मेरे को अच्छी लगी मैं सेटिंग करूंगा उससे मैं तुम्हें फोन कर दे हेलो मैडम आपका बॉयफ्रेंड तैयार है जी क्या बॉयफ्रेंड तैयार है बाप रे इतनी तलब लगी फोन तो उठा लेती आप सीधा आपका बॉयफ्रेंड तैयार है मैडम इतनी जल्दी बस मैडम हमारा स्टाइल ऐसा है 15 दिन का बोल के 15 मिनट में तैयार कर देते हैं ऐसे नहीं हम लोग लोगों की तरह दो दो साल बाद में पूछे पता नहीं मुझे आपका बॉयफ्रेंड तैयार है ठीक है कहाँ है मेरे सपनों का राजकुमार सपनों का राजकुमार तो पता नहीं सपनों का सुअर खड़ा है इधर हेलो ए चरणदास ये चरणदास है कि चरसदास मैं पत्थर का थप्पड़ मारूं तेरे इसका तो रंग निकल रहा है अभी सूखा नहीं ना गीला गीला बना अभी तेरे को कह रहा धूप में खड़ा रहे थोड़ी देर सूख गया तबे इतनी जल्दी आने की जरूरत तेरे को मैडम मैडम जैसा आपने कहा था वैसे बनाया पूरी बात मानेगा आपकी आपकी शादी होगी सोचो आप दोनों के बच्चे कितने खराब पैदा होंगे शतरंज जैसे आधे सफेद आधे काले मजा आ जाएगा आपको नहीं प्लीज प्लीज मुझे ये नहीं चाहिए इससे अच्छे तो तुम हो यही तो मैं सुनना चाहता था चल बे फेस वैल्यू बड़ी ना मुंह काला करके आ गया तू चल चल यहां से हट अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम दबंग 2 का डायलॉग वो भी इस गेटअप में ये तो फिर चंकी पांडे को ऑस्कर दिलाने वाली बात हो गई ये तो चल निकल यहां से सरदार मुझे लड़की चाहिए ही चाहिए ओए एक अभी निकल गई है तेरे को भी मैसेज करवा दूंगा चैनल का समझ में आया ना चेक कर कोई बंदा तेरे को आया ही हो जब मैं मोबाइल चेक कर हमको मैसेज आ ही नहीं सकता क्यों बे मेरे पास मोबाइल ही नहीं है उसके लिए चाहे मुझे तेरे मोबाइल गिफ्ट करना पड़े लेकिन तेरे को निकलवा के छोड़ूंगा थप्पड़ मारूंगा देखा नहीं है निकलवाने की 1500 से हमें क्या फर्क पड़ता है 1500 से फर्क पड़ने की बात नहीं है हमारा रेट नहीं बढ़ता नंबर कम होते जाते हैं हमारे पर आज तुम आई हो कोई पता नहीं ज्यादा नंबर मिल जाए थैंक यू तो जजेस इन्होंने अच्छी फरमाइश तो रख ली है देखते हैं आप इनका दिल रखते हैं कि नहीं आर्ची जब इतनी सुंदर महिला का और खास तौर से महिला का आगमन होता है तो कहते हैं ना लक्ष्मी घर आती है तो वाकई आपके नंबर बढ़ गए थैंक यू मोबीन बहुत क्यूटली किया आपने और कपिल मेरे भाई वेलकम बैक थैंक यू मैम थैंक यू बिफोर यू आस्क सोहेल एनीथिंग 10 पॉइंट्स एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम अर्चना सोहेल आप कमेंट्स देंगे या इन्हें शेर खान की शूटिंग डेट्स बताएंगे आई लव द टाइटल देर खान आई लव द टाइटल देर खान देर खान सही वाक्यों पे ये एक्ट लिखा गया है बट नेवरदलेस स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम सोहेल एज वेल अनडाउटेडली द मोस्ट एंटरटेनिंग एक्ट 10 पॉइंट्स और हंसने हंसाने के लिए आप और हम फिर से यहीं आएंगे ओनली ऑन सेंटर फ्रेश च्युइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे